दोस्तों आप जरा इस दृश्य को देखिए कि कैसे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की मूर्ति को इस पहाड़ के अंदर कितना दूरी तक स्थापित किया गया है। यदि आपका नजर इन नागों के ऊपर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की जो मूर्ति है इनके पास ही है, लेकिन जैसे आपका नजर इनके पास जाता है तो और कुछ दूरी पर बढ़ जाता है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का जो स्टेचू है बहुत दूरी तक दिखाई देता है।